नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उमड़ी भीड़। चौराही प्रखंड क्षेत्र के सभी 10 पंचायत से आए बच्चे, बूढ़े, महिला, दिव्यांग व्यक्ति को खाली हाथ अपने घर को लौटना पड़ा। बताते चले कि प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों के मध्य से सभी 10 पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सूचना दिया गया था कि 8 मार्च को दिव्यांगता प्रमाण पत्र का कागजात लिया जाएगा। प्रखंड क्षेत्र के जो भी दिव्यांग व्यक्ति थे उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। जब प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत से दिव्यांग व्यक्ति प्रखंड मुख्यालय पहुंचे तो मामला कुछ और ही निकला। मुख्यालय पहुंचते ही क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांग व्यक्ति एवं उसके साथ आयोजन प्रतिनिधियों ने प्रखंड कार्यालय में जमकर बवाल काटा। तब जाकर इसकी सूचना लोगों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी सुजीत कुमार को दिया गया। युवा सामाजिक कार्यकर्ता दासीन आलम के प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों से वार्ता कर प्रखंड क्षेत्र से आए सभी दिव्यांग व्यक्ति को आश्वासन दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। प्रखंड क्षेत्र से आए सभी महिला, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग व्यक्ति अपने घर को खाली हाथ लौट आए। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। चौराही से बच्चन देव प्रसाद की रिपोर्ट। धन्यवाद। होगा विद्वान आदमी होगा, उसको बुलवाएंगे हम लोग। सूचना देके हर मुखिया जी को सूचना देके हम बुला के प्रभारी के सामने में, सारे पदाधिकारी के सामने इनिशियल करके यहाँ पे उसका एसएमएस भेजेंगे। जिस दिन उसका डेट होगा उस दिन उसको एक समय सीमा देके उसको बुला के दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद होना भी चाहिए वो चीज। और खास करके हम जो करते हैं आप लोग से, आप लोग थोड़ा अपने में समन्वय स्थापित करके चिकित्सा पदाधिकारी से, सही बात है, समन्वय स्थापित करके अगर दो सिविल सर्जन हमारे प्रखंड में अगर इस मंथ नहीं हो अगले मंथ ही हो, एक दिन अगर कैंप लगा के समय दे दे तो लोग का उत्थान हो जाएगा। ये हम पहले से चाह रहे हैं, लोग जिला जाते हैं और टपला खा के आते हैं। अभी भी ये दिक्कत है। अभी भी हमने सर को बुला के यही चीज कहा कि सारे विभाग को ये सूचना दीजिए कि जो भी जिला से सूची आता है वो सार्वजनिक हमारे पास की जानकारी हो। आप एक लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्लॉक में हर पंचायत को घुमाइए, किसको किसको बनाना है, क्या करना है, प्रॉपर जानकारी समझ आएगा फिर यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कोई मानने की नहीं। देखिए सर ने जैसा कहा है, अभी जिन लोगों का बना हुआ है पहले से दिव्यांगता सर्टिफिकेट उन्हीं का अभी ऑनलाइन किया जाएगा और एक कार्ड बनाया जाएगा, और जिन लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है प्रमुख साहब हैं और जो यहाँ बीएससी के जो प्रभारी हैं उनसे बात करके जिले में बीएससी साहब बात कर लेंगे अपना, जो हमारे यहाँ बीएससी के हेड हैं, और अगर सीएस साहब यहाँ आ पाते हैं तो यहीं कैंप लगाया जाएगा और यहीं पे सब लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि संभव नहीं हो सका ऐसा तो फिर जिले में एक डेट मांग करके सीएस साहब से, और फिर सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि किस दिन वहाँ पहुँचा जाए जिले में, जिला अस्पताल, जिला सदर अस्पताल, ताकि सब लोगों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन जाए और सरकार के द्वारा विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो उनको लाभ दिए जा रहे हैं उसके लाभ ले सके। आज जो लोग आ गए हैं हमारे उनसे रिक्वेस्ट है आज चले जाएं, क्योंकि आज जो हमारे बीएससी के हेड हैं कमलेश बाबू, आज वो ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, हमारी बात हुई है उनसे फ़ोन पे, इसलिए आज वो अनुपस्थित हैं, और इस विषय में जब अगली तिथि को वो यहाँ आएंगे अपने ऑफिस में हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, आप लोगों की जो भी समस्या है उनसे बातचीत की जाएगी, प्रमुख साहब भी उपस्थित रहेंगे और इसका एक उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप लोग से आग्रह है जिनका नहीं बना हुआ है आप लोग घर चले जाएं, क्योंकि आज जो कार्ड हो रहा है ये उन्हीं के लिए है जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, केवल उसको डिजिटल करना है। ठीक है, सूचना मिल जाएगी आप लोगों को, सूचना मिल जाएगी क्या कब मतलब यहाँ आना है और कब उसका कैंप लगेगा या कब जाना है हर पंच का।